रश्मि, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सोशल साइंस का क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर सेवन उसका क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? वी नो अबाउट ग्रेट थिंकर्स एंड न्यू आइडियाज बाय द उपनिषद्स, द जैन टेक्स्ट, द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ऑल ऑफ दिस। तो ये जो ग्रेट थिंकर जो है और न्यू आइडिया, वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो पहला ऑप्शन क्या है? उपनिषद। उपनिषद में भी ये सही आंसर है। द जैन टेक्स्ट, ये भी सही आंसर है। द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ये भी सही आंसर है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस, ये सब इसका आंसर है। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। जो न्यू आइडियाज है ये सब में हमें मिलता है। द सुप्रीम नॉलेज व्हिच बुद्ध गॉट आफ्टर डीप मेडिटेशन इज कॉल्ड। द सुप्रीम नॉलेज व्हिच बुद्ध गॉट आफ्टर डीप मेडिटेशन इज कॉल्ड। डीप मेडिटेशन करने के बाद वो कौन सा नॉलेज उनको प्राप्त हुआ? मोक्ष, निर्वाण, एनलाइटमेंट और क्या नहीं? तो इसका सही आंसर क्या है? एनलाइटमेंट। ये डीप मेडिटेशन के बाद उनको ये एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ। द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिस्ट सेक्ट हीनायाना बिलीव्ड ओनली इन द डैश मिडल पाथ, अहिंसा, रिटुअल्स, ऑस्टेरिटी। तो इसका चार ऑप्शन क्या है? मिडल पाथ है, अहिंसा है, रिटुअल्स है और ऑस्टेरिटी है। जो दो सेक्ट था ना, हीनायाना और महायाना, तो इसमें महायाना जो था वो रिटुअल था, वो रिटुअल्स में बिलीव करते थे। और जो हीनायाना है वो क्या? मिडिल पाथ में बिलीव करते थे। तो फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिस्ट सेक्ट हीनायाना बिलीव्ड ओनली इन द मिडिल पाथ। द रिलिक्स ऑफ बुद्ध वेयर प्रिजर्व्ड इन डैश। द रिलिक्स ऑफ बुद्ध वेयर प्रिजर्व्ड इन बिहारास, स्तूपस, चैत्यास एंड मोनास्टरीज। तो इसका सही आंसर क्या है? स्तूप। द रिलिक्स ऑफ बुद्ध वेयर प्रिजर्व्ड इन स्तूप। और नेक्स्ट आंसर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ट्रू, टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जो ट्रू स्टेटमेंट है उसमें टी लिखना है और जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसमें एफ लिखना है। महावीर वाज द 25th तीर्थंकर। ये 25वां तीर्थंकर थे महावीर। ये फॉल्स है क्योंकि सही आंसर क्या है? सही आंसर है 24 होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? 24 होगा। महावीर वाज द 24th तीर्थंकर। सो ये फॉल्स हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। देयर आर मोर देन 100 उपनिषद्स। तो नंबर ऑफ उपनिषद कितना था? 108 था। अगर 108 है तो 108 ये 100 से ज़्यादा हुआ कि नहीं? देयर आर मोर देन 100 उपनिषद, 100 से ज़्यादा उपनिषद है। ये सही है, ट्रू। और जो है बिंबिसार वाज नोन एज जीना, बिंबिसार जीना के नाम से जाना जाते हैं। तो ये गलत है क्योंकि जो महावीर जैन है, वर्धमान महावीर जैन, वो है, उनको जीना कहा जाता था, बिंबिसारों को नहीं। इसलिए बिंबिसार ये फॉल्स होगा। मुंडक इज ए मेजर वेद, ये फॉल्स ही होगा क्योंकि जो मेजर वेद है वो है क्या? उपनिषद। वो मुंडक नहीं, वो उपनिषद में से सबसे जो मेजर है वो उपनिषद है। उपनिषद को ही मेजर वेद कहा जाता है, मुंडक नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। नेम द फोर ग्रेट साइट्स ऑफ बुद्ध। व्हाट इज द एट फोल्ड पाथ और अष्टांगिक मार्ग। डिफाइन मोनास्टरीज, नेम फ्यू ऑफ देम। व्हाट इज मीन्ड बाय संघ, व्हाट आर द उपनिषद। तो पहला क्वेश्चन है, नेम द फोर ग्रेट साइट ऑफ बुद्ध। बुद्ध का जो फोर साइट था वो क्या है? वो चार साइट क्या था? वो फर्स्ट कहला, पहला वाला क्या था? द लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग्स, मतलब दुख। ये जो लाइफ है वो दुख से भरा हुआ है। द कॉज ऑफ दिस सरो इज डिजायर, समुदाय। तो वो सरो का कॉज क्या है? डिजायर। डिजायर ये है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? गेटिंग रिड ऑफ डिजायर एंड वांट्स विल लीड टू पीस एंड एंड ऑफ सफरिंग्स, निरोध। गेटिंग रिड ऑफ डिजायर एंड वांट्स विल लीड टू पीस एंड एंड ऑफ सफरिंग्स। इसका मतलब क्या है? अगर हमारे मन में जो इच्छाएं हैं उसको अगर समाप्त कर देंगे तो हम खुशी खुशी से रहेंगे। अगर इच्छा होगा तो सफरिंग्स, तो सरो आएगा, सरो होगा तो सफरिंग्स होगा। वी कैन गेट राइड ऑफ सफरिंग्स बाय फॉलोइंग द नोबल एट फोल्ड पाथ, अष्टमार्ग एंड राइट लिविंग, जो है
मग, ये था चार, फोर साइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एट फोल्ड पाथ और अष्टांगिका मार्ग। अष्टांगिका मार्ग क्या है, उसका आंसर क्या है? फर्स्ट में राइट व्यू, राइट एस्पिरेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट इफॉर्ट, राइट माइंडफुलनेस, एंड लास्ट में क्या है? राइट कॉन्टेम्पलेशन और कॉन्सेंट्रेशन। ये था, ये जो एट फोल्ड पाथ था इसका आंसर ये एट है। और बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में और प्रीवियस वीडियो में भी तो आपको पता है, तो उसी से ही उसका आंसर मिल जाएगा। सारे वीडियो क्लियरली देखें और फास्ट से लास्ट तक देखने की कोशिश करें। अगर फास्ट से लास्ट तक देखोगे तो मुझे विश्वास है कि समझ में आ जाएगा और सारा का क्वेश्चन आंसर क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।